हेलो, इस वीडियो में मैं आपको एक एग्रीमेंट में कौन कौन से मेन एलिमेंट्स होते हैं, एसेंस होते हैं, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पूर्व के वीडियो में आपने इसकी परिभाषा देखी थी कि किस तरह से एग्रीमेंट बनता है। राज नियम ने क्या कौन सी परिभाषा इसमें बताई है, धारा 2A 2E क्या बोलती है, ये सब बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं कि इसके मेन मेन तत्व कौन से हैं, यानी विशेषताएं कौन कौन सी होती है जिसके बिना एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है। पहली विशेषता आती है कि कम से कम दो व्यक्ति होनी चाहिए, दो पार्टी होनी चाहिए। जिस तरह से शादी विवाह के लिए दो व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है, वर और वधु, उसी तरह से एग्रीमेंट के निर्माण के लिए भी दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, जिसमें एक व्यक्ति प्रपोजल करता है, दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकार करता है, स्वीकृति देने वाला और प्रस्ताव करने वाला, दो व्यक्तियों का यह होना आवश्यक है। जो व्यक्ति प्रस्ताव करता है उसे वचनदाता कहा जाता है, और जो व्यक्ति उसे स्वीकार करता है उसे वचन करीता कहा जाता है। सेकंड, सहमत, कंसेंट, एक ही भाव, सेंस, किसी एक ही वस्तु के लिए हम जो बात कर रहे हैं वो एक ही वस्तु के लिए बात कर रहे हैं। मैं एलिमेंट के बारे में प्रस्ताव कर रहा हूँ तो आपका आंसर भी प्रस्ताव के बदले स्वीकृति जो आ रही है वो एलिमेंट के लिए ही आ रही है। यदि मैं बोल तो रहा हूँ एलिमेंट के लिए, आप समझ रहे हैं टेलीविजन के लिए, तो आपका सेंस एक नहीं है, और जब सेंस एक नहीं है तो कंसेंट नहीं हो पाता, सहमति होनी चाहिए, फ्री सहमति, फ्री कंसेंट, एक ही भाव से तो ही एग्रीमेंट बन पाएगा। वैधानिक संबंध, आपका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा भी होती है, क्योंकि तभी वो जाके फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, बोर्ड हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ कहरा बोर्ड एग्रीमेंट, ऐसा खेला जो राजगुरु द्वारा प्रवर्तनीय न हो। अतः वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए। और अतः पारस्परिक संभव, केवल मन में सोच रहे कि मैंने वस्तु दे दी ये मैं लेने के लिए तैयार हूं, नहीं, मानसिक स्वीकृति कभी भी ठहराव नहीं मानी जाएगी। प्रपोजल होने के बाद दूसरे व्यक्ति द्वारा जो स्वीकृति प्रदान की जाएगी वो मानसिक नहीं होनी चाहिए बल्कि वास्तविक होनी चाहिए, एक्चुअल होनी चाहिए। केवल सोचना ही एग्रीमेंट नहीं होता है, उसको बताना भी पड़ता है, समवय कम्युनिकेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान भी होनी चाहिए। मन ही मन में सोच रहे हैं कि मैं लेने के लिए तैयार हूँ, नहीं, आपके पास जो सूचना है आप लेने के लिए तैयार है, सूचना को आप सामने रहती तो पहुंचाओ, जब तक संवहन नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, आपका जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट नहीं बन पाएगा। जिस व्यक्ति के सामने आपने प्रस्ताव किया है वो व्यक्ति जब स्वीकृति प्रदान करता है, वो स्वीकृति प्रस्तावक जो होता है, वचनदाता जो होता है, उसकी नॉलेज में आनी चाहिए बात, अगर बात नॉलेज में नहीं आएगी तो वो प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं होगा। लास्ट है परिणाम, एक वैध ठहराव के दो परिणाम होते हैं जो अनुबंध में होते हैं, क्योंकि वैध ठहराव ही क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, यदि ठहराव वैध नहीं है तो कभी भी अनुबंध नहीं बन पाएगा। तो ये चार पांच मैंने आपको विशेषताएं बताई है यहाँ पर कि दो व्यक्ति होनी चाहिए, उनकी आपसी सहमति होनी चाहिए, वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए, पारस्परिक संभव होना चाहिए, मानसिक स्वीकृति ना हो बल्कि वास्तविक सूचनाओं का आदान प्रदान हो, जानकारी में भी आनी चाहिए बात, और परिणाम वेद खेला होने पर वो अनुबंध बन जाता है। ये पांच विशेषता आपको उसमें एग्रीमेंट बतानी है। तो परिभाषा पूरी होगी, यहाँ पे आपकी एसेस पूरी होगी, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में आपने देखा था कि वहाँ फ्री कंसेंट भी था, सर्टेनिटी भी होनी चाहिए, राजधर्म द्वारा प्रवर्तनी भी होना चाहिए, वैधानिक संबंध स्थापित की इच्छा भी होनी चाहिए, कंसीडरेशन भी होना चाहिए, अनु
गुणवत्ता की क्षमता भी होनी चाहिए, फॉर्मेलिटी पूरी होनी चाहिए, उसमें औपचारिकता पूरी होनी चाहिए, दो व्यक्तियों के साइन होनी चाहिए, गवाह होना चाहिए, एविडेंस होनी चाहिए, नोटिंग द्वारा पब्लिक नोटिंग होनी चाहिए। तो कई सारी विशेषताएं थी आपके कॉन्ट्रैक्ट में, जबकि यहाँ पर कई विशेषताओं का अभाव है। राज्यों द्वारा प्रवर्तनीय होना यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। प्रतिफल के बारे में यहाँ पर कुछ मैंने बताया गया, देखो अनुमति देने की क्षमता है, मैं इसके बारे में बात भी करूंगा आपसे, क्योंकि यदि ठहराव उचित होगा तो फ्यूचर में वो अनुमत बन जाएगा। यहाँ पे यदि उचित आपने किया है, सब कुछ सही है मामला, तो आपका फ्यूचर में क्या बन सकता है, वो कॉन्टेक्ट बन सकता है। तो ये आपकी जो एसेंस है, आपके एग्रीमेंट्स है, ये पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्टेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अनुबंध और ठहराव में क्या अंतर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कह सकता है, लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। कुछ टाइम सेस रह गया, मैं आपको कुछ चीजों बता देता हूँ कि इसके पहले जो मैंने आपको टर्म्स बताई थी, प्रस्ताव, स्वीकृति, वचनदाता, वचन ग्रहीता, प्रतिफल, पारस्परिक संवहन, ठहराव, व्यर्थ ठहराव, व्यर्थ अनुबंध, अनुबंध इत्यादि, ये टर्म आप इंग्लिश में भी याद कर लें कि बोर्ड एग्रीमेंट क्या होता है, बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बोर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, प्रपोजल क्या होती है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, इसी पोर्टल प्रॉमिस क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, बोर्ड एग्रीमेंट क्या होता है, क्योंकि टर्म इंग्लिश में याद रहेगी तो आपको समझने में आसानी रहेगी। और ये धाराएं लोग प्रॉपर रूप से आप यहाँ पे ध्यान देते रहे। मैंने इस वाले चैप्टर में आपको धारा जो बताइए 2E के बारे में पूरा वर्णन किया है, एग्रीमेंट क्या होता है, इसके साथ साथ धारा 10 का थोड़ा सा उल्लेख किया था कि कौन कौन सी ऐसी शर्तें होती है जो शर्त पूरी हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है, जिसका उल्लेख धारा 10 में मिलता है कि निम्नलिखित ठहराव में यदि ये चीजें नहीं होती है, जैसे कि फ्री कंसल्ट होना चाहिए, अनुमोदन की क्षमता होनी चाहिए, कुछ और भी बहुत ऐसे बारे में बाद में बात करनी है, यदि ये सब होता है तो अनुमोदन बनता है। इसमें आपको मैंने एक विशेषता बताई है, जो तीन चार विशेषता की जो सुनाई थी मैंने आपको, तो यहाँ मेन चीज जो है वो ये है कि आप धाराओं को बराबर याद करते रहे, देखते रहे। अब जैसे अंतर आप करेंगे तो अंतर में वही बात करेंगे, मेन धारा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो ये आप अपने रूप से ध्यान रखें।